मधुबनी जिला की विभिन्न मस्जिदों में महिलाएं नमाज अदा की तो ईदगाहों में पुरुषों ने नमाज अदा किया। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के बाद जिले भर में इमाम मौलानाओं ने तकरीर करते हुए बताया कि ईद उल फितर इस्लाम के लोगों का एक धार्मिक त्यौहार है, इसमें खुशी और आनंद का एक अर्थ भी है। हाँ, इस दिन से उपवास समाप्त होता है, इसलिए इस त्यौहार को ईद उल फितर का नाम दिया गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने आपको इससे बेहतर दो दिन दिए हैं, एक ईद उल फितर का दिन है और दूसरा ईद उल अधा का दिन है। दान देना। ईद उल फितर के अवसर पर महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सदका फितर का भुगतान है। सदका अल फितर व्यर्थ और गंदी चीज़ों से उपवासों को शुद्ध करने और गरीबों के लिए प्रदान करने के लिए निर्धारित है। नमाज से पहले सदका फितर की कीमत है। रमजान में सदका फितर अदा करना बेहतर है ताकि गरीब और जरूरतमंद भी ईद की खुशियों में हिस्सा ले सके। यह हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। जवान और बूढ़ा सदका फितर गेहूं करीब 2.5 किलो या बाजार का मूल्य रुपये 2.5 किलो गेहूं का मूल्य रुपये जो हो वह अदा करना चाहिए। ईद के मौके पर गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वे और उनके बच्चे इस खुशी में शामिल हो सके। जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं वे शैतान के भाई हैं। अगर अल्लाह ताला ने तुमको दौलत दी है तो इतना मत दिखाओ कि गरीबों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। कहा गया है कि किसी गरीब के घर के सामने मांस की हड्डियां या फलों के छिलके नहीं फेंकने चाहिए ताकि उसके बच्चे भी उसे देखकर भीख मांगने लगे और बेबस दुख के आंसुओं से चलते रहे। ईद की नमाज से पहले नहाना, जितना हो सके नए कपड़े पहनना, इत्र लगाना, खजूर खाना, पैदल ही ईदगाह जाना और एक तरफ जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। आज ईद की नमाज अदा की गई है, क्यों हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, इसकी खासियत क्या दर्ज दीजिए। रमज़ान मुबारक के महीने के मुकम्मल रोज़ा रखने के बाद में हम लोग शुक्राने के तौर पर यह ईद की नमाज़ अदा करते हैं और इस नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक के महीने में जो हमने रोज़ा रखा, क़यामुल लैल का अहतमाम किया, तिलावत कलामुल्लाह का अहतमाम किया, अल्लाह हमारी उस रोज़ा को, तिलावत कलामुल्लाह को और क़यामुल लैल को कबूल अता फरमा। ये ईद जो है पूरी दुनिया के अंदर में हमारी मुसलमान आपसी में एक दूसरे की भाईचारगी का सबूत देता है कि हम मुसलमान आपस में सब एक दूसरे से भाई भाई हैं और यही होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़रूरतों में काम आए, इसी वजह से हम और आप पूरे मुसलमान इस दिन ईद उल फितर का एहतमाम करते हैं।